सकते यहाँ पे पिन कहने की कोशिश, पर सैम ही नहीं यहाँ पर बीच में बीच बचाव कर लिया है। राफी का ध्यान भटके, वन सेकंड, रैंडी ऑर्टन ये कहाँ से आ गया भाई? रैंडी ऑर्टन ने आर क्यों दे दिया है? हाँ, ट्रिपल एच का साथ देने की कोशिश है, मिस्टर भी हो चुके हैं पूरी तरह से नॉक। गेमिंग नेवर डाई बिकॉज यू वॉचिंग बेस्ट गेमिंग चैनल इन द वर्ल्ड एंड्रो वर्ल्ड। वेलकम फ्रेंड्स, आई एम भानु और मेरे साथ एंड्रो, हम आपका स्वागत करते हैं स्मैकडाउन लाइव में। और आज मिस्टर बी क्या पता क्या कहना चाहते हैं, काफी कूल लग रहे हैं, काफी एकदम सूट बूट में आए भानु, क्या कहते हो, क्या कहेंगे आज WWE यूनिवर्स से मिस्टर बी? मेरा समय यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनके बिल्कुल भी वैसा नहीं चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए था। मैंने सोचा था कि मैं टाइटल को डिफेंड करूंगा, हॉट कॉम्पिटिटर्स होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है केविन ओवंस को, सैमी सिंह को और बॉबी रूट को, और यही आप सबको बताने में यहाँ आया हूँ। सच कहूँ तो बहुत लंबी लाइन है लोगों की जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन नंबर वन पे एक ही बंदा खड़ा है, उसका नाम है बॉबी रूट। तो जैसे कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था एक मैच के लिए, और मैं कभी अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ, तो केविन ओवंस अपनी टर्न का वेट करो। मिस्टर बी ने चूज किया है बॉबी रूट को, एक मिनट, यह समझ नहीं आया डैनियल ब्रायन क्यों आया है यहाँ पर? थैंक यू मेरी बातों को कहने के लिए, और रिसेंट वीक में तुम्हारी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को इस तरह से खराब किया जा रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे डिसीजन का समर्थन कर रहा हूँ और मैं इसे ऑफिशियल करने जा रहा हूँ। क्या ये फिर से हो रहा है? ट्रिपल एच वापस आ चुके हैं मिस्टर बी की लाइफ में, और हाँ ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्या ये इसे रोकने आए? मुझे पता है कि तुम अभी भी WWE के एक नए रिश्तेदार बने हुए हो बस, और बात करें यूएस टाइटल के तुम्हारे जीतने की, तो बहुत ही लकी थे जो जीत गए तुम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ के सारे डिसीजन लो, यहाँ के सारे डिसीजन मैं लेता हूँ। हंटर, क्या हम एक सेकेंड बात कर सकते हैं? लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो डिसीजन ये हुआ था कि तुम्हारे ब्रदर लो शैन और मैं स्मैकडाउन को चलाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ के सारे शॉट्स लेंगे। ओहो क्या बात है, चुप रहे, और मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुन, क्योंकि ये एक लेसन है तेरे लिए और तेरे जैसों के लिए। मैं एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने जो कह दिया वही होता है, कोई भी सवाल नहीं उठाता है, और हाँ जब मैं कहता हूँ कि बनाओ तो वो बनाते हैं बहुत ही तेजी से। मैंने कहा मैच बनाओ तो सिर्फ वो एक ही सवाल पूछेंगे, कब और कहाँ। मैंने कहा किसी को फायर कर दो, तो WWE से रिस्क करती है उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। यहाँ सब कुछ जो भी तुम देख रहे हो सब एक भ्रम है, सब तरह भ्रम है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे शॉट्स लेते हो? नहीं, तुम जो भी शॉट्स लेते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो अगर तुम्हें यहाँ की कोई भी चीज से प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ एक कॉल करूंगा, जिसके बाद में तुम और तुम्हारी फैमिली स्ट्रगल करते नजर आएंगे खाने के लिए। याद रखना तुम्हें हमारी जरूरत है, ना कि हमें तुम्हारी। आई होप तुम्हें समझ गए होगे। हाँ मैं समझ गया हूँ, बहुत अच्छे, तो चलो अब बात करते हैं US टाइटल पिक्चर के बारे में। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है इन सारी चीजों को सेटल करने के लिए, तो मनी इन द बैंक में तुम्हें US टाइटल को हारने के लिए पिन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक फैटल फोर वे मैच होगा, यू वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस बॉबी रूड, और हाँ तुम याद रखना कि तुमने जो भी किया है मैं उसे कभी भूलूंगा नहीं। भानु ये कहाँ वन ऑन वन मैच की बात हो रही थी, पर यहाँ पे सीधे ट्रिपल एच ने फाइनल फोर मैच कर दिया, मतलब कि मुश्किलें खड़ी हो चुकी है मिस्टर बी के लिए। हाँ भानु वो मेरे साथ एंड्रो, हम आपका स्वागत करते हैं मनी इन द बैंक में, और यहाँ पे मैच हो चुका है स्टार्ट, मिस्टर बी वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस बॉबी रूड वर्सेस सैमी ज़ेन, और ये मैच ट्रिपल एच ने करवाया है। और आपको बता दें कि मिस्टर बी और ट्रिपल एच की वैसे ही बनती नहीं है, और इसी कारण ये मैच आया है फाइनल फोर मैच, वरना यहाँ पे एक सिंगल्स मैच हो सकता था जब डैनियल ब्रायन अगर यहाँ पर कहते, पर डैनियल ब्रायन को बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से धमकी दे दी थी ट्रिपल एच ने, जिसके बाद में वो मैच नहीं बन पाया, वरना बॉबी रूड वर्सेज मिस्टर बी होता। लेकिन अभी भी ये शानदार मैच जारी है, फाइनल फोर मैच है, सैमी ज़ेन की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर रहे हैं मिस्टर बी, और वहीं पर केविन ओवंस बॉबी रूड की, और यहाँ पे शानदार रिवर्स और बॉबी रूड ने स्पीयर दे दिया है दोस्तों। मुझे लगता है कि ट्रिपल एच काफी ज्यादा यहाँ पे गलत
है मिस्टर बी के बारे में। मिस्टर बी बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है, पर हाँ गलत फहमी है, ट्रिपल एच को शायद नाराज है और इसी कारण इस तरह के डिसीजंस वो मिस्टर बी के लिए लेते हैं। उन्होंने फिर भी ये शब्द कहे कि वो अभी भी भूले नहीं है, मतलब ये है कि अभी भी एक बदले की भावना है ट्रिपल एच के अंदर मिस्टर बी के प्रति। शायद तुम के सही कह रहे हो, और हाँ मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, पर ये मैच काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हालांकि ट्रिपल एच का डिसीजन थोड़ा लगता है, पर यहाँ पर स्टनर के लिए गए थे, बॉबी रूट को स्टनर देना चाहते थे मिस्टर बी पर, स्टनर से बच गए और एक शानदार नेक ब्रेकर मिस्टर बी ने वापसी कर लिया इस मैच के अंदर। एक कमाल का स्टनर देने की कोशिश थी पर स्टनर नहीं लगा, जिसके बाद में यहाँ पर दे रहे स्पिनिंग पाव बम। अगर ये पाव बम लगता है तो ये मैच भी खत्म हो सकता है। सैमी और केविन अलग ही लड़ रहे हैं, सैमी रिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे पर उसके पहले ही केविन ने उसे रोक लिया और इसी के साथ में मिस्टर बी पिन करने में कामयाब रहे। तो इस फाइनल फोर वे मैच में भी ट्रिपल एच के चैलेंज को जवाब दिया मिस्टर बी ने और एक शानदार मैच में जीत दर्ज की। इसका मतलब यह है भानु कि ट्रिपल एच तुम बस चैलेंज देते जाओ और मिस्टर बी उन सारे चैलेंज को कंप्लीट करेगा, जीतेगा। यहाँ पर मैच के जो एंडिंग थी काफ़ी कमाल की रही, जब मिस्टर बी स्टनर देने जा रहे थे, बॉबी रूड ने उस स्टनर को रिवर्स कर दिया पर बहुत ही शानदार नेक ब्रेकर आया उसके बाद में, और उसके बाद में एक कमाल का स्पिनिंग पावर बम दिया और मैच को जीत लिया। ट्रिपल एच काफ़ी नाराज है, पर हाँ चैम्पियन तो चैम्पियन है और उसने कर दिखाया, एक शानदार जीत ट्रिपल एच ने कहा। पर हाँ ट्रिपल एच नाराज है, मिस्टर बी खुश है और हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट शो में। ओके बाय बाय दोस्तों। हो सकते हैं यहाँ पे पिन करने की कोशिश, पर सैमी ने यहाँ पर बीच में बीच बचाव कर लिया है। राफी का ध्यान भटक गया, वन सेकंड रैंडी ऑर्डर, ये कहाँ से आ गया भाई, रैंडी ऑर्डर ने आरकेओ दे दिया है। हाँ ट्रिपल एच का साथ देने की कोशिश है, मिस्टर बी हो चुके हैं पूरी तरह से नाकआउट। हे मनी द बैंक का मैच बहुत शानदार था और कांग्रेचुलेशन जीत के लिए। थैंक यू, सच कहूँ ना तो इसे कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम नए लग रहे हो, तो क्या तुम मेरे लिए इसे थोड़ी देर पकड़ सकते हो? नो थैंक्स, मेरे पास पहले से ही है। मैं याद रखूँगा। यूनाइटेड स्टेट चैंपियन मिस्टर बी आते हुए स्मैकडाउन में। मैंने बात की है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन से और हमने डिसाइड किया है कि वो दोनों को एक और टाइटल शॉट देना चाहिए यूएस चैंपियनशिप के लिए। मुझे से कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन है वो गाय जो मुझसे आज रात लड़ेगा? वैसे तो ये दोनों ही तुमसे लड़ने वाले हैं यूएस चैंपियनशिप के लिए और ये मैच होगा 2-on-1 हैंडीकैप मैच। और हाँ, और तुम्हारे तरफ तुम्हारे अगेंस्ट है क्योंकि पिछले बार फेटल फोर मैच और अभी ये, तो एंड्रू आज रात होने वाला है हैंडीकैप मैच 1-on-2 पर, ये होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। मेरी समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मिस्टर बी से लड़ रहे हैं, पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप तो एक ही है, जीतेगा कौन भाई, यानी चैंपियनशिप किसे मिलेगी? पर यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है और मिस्टर बी दिखा रहे अपना डोमिनेंस और भाई साहब पीट रहे केविन ओवेंस को पूरी तरीके से। एक्चुअली मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ को लेके मानू कि कौन जीतेगा, आई मीन कैसे होगा ये चैंपियनशिप का बंटवारा, अगर लोग जीत भी जाते हैं तो वो चैंपियनशिप मिलेगी किसे? और यहाँ पे मिस्टर बी को कॉर्नर मिलेगा, सैमी ज़ेन को टैग मिल गया है और सैमी रिंग के अंदर आए हैं और एक शानदार आरकीओ टाइप का मूव था, दोनों ने मिलकर कमाल का एक मूव दिया। यहाँ पर टैग टीम बना के मार रहे हैं, मिस्टर बी को काफ़ी मुश्किल होगी। और हाँ ट्रिपल एच लगातार मुश्किल यहाँ पर टास्क दिए जा रहे हैं पहले फेडरल फोर मैच, और देखिए इसी रात उन्हें दे दिया है एक और मैच। यहाँ पे लगातार खतरनाक मैचेस दिए जा रहे हैं। एंड्रू, मैं इसे कहूँगा कि अपनी पावर्स का गलत यूज़ कर रहे हैं और हाँ सही में वो कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से केविन ओवेंस को टैग मिल चुका है और मिस्टर बी ने एक कमाल का स्लैम दिया है और मैच चल चुका है। अब कॉर्नर के अंदर कॉर्नर पे रिवर्स हुआ है, मिस्टर बी अब लगातार पंचेस दे रहे हैं केविन ओवेंस को। ओके ये जा रहे हैं एक टर्न बकल को,
टोन पकल पे देने वाले ये पाव बम, और हाँ टोन पकल पाव बम दे दिया है केविन ओवंस को, हालत खराब कर दी है केविन ओवंस की। मिस्टर बी बहुत ज़्यादा ब्रूटली कह रहे हैं और यहाँ पे एक सबमिशन होल पे डाल दिया है। देखते वन सेकेंड, ये सबमिशन होल में डाल के छोड़ भी दिया, केविन ओवंस रिंग के पास चले गए, वापस आए हैं और एक शानदार न्यू स्ट्राइक। यहाँ पे केविन ओवंस टैग देने की कोशिश कर रहे हैं पर मिस्टर बी ने यहाँ पे एक शानदार एल्बो दे दिया है। सैमी टैग मांग रहे थे पर नहीं मिला और यहाँ पे जा रहे एक स्पिनिंग पावर बम के लिए। अगर ये कनेक्ट हुआ तो केविन ओवंस पिन भी हो सकता है और ट्रिपल एच भी, और यहाँ पे केविन ओवंस ने पिन कर दिया। इसका मतलब आपके नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन। हेनरी ये क्या देख रहा हूँ मैं, केविन ओवंस और सैमी ज़ेन नए चैंपियन बन गए हैं और दोनों एक दूसरे के हाथ से बेल्ट को चुड़ाए जा रहे हैं। और हाँ यहाँ पे कौन है रियल यूनाइटेड स्टेट चैंपियन मुझे तो पता नहीं, पर केविन ओवंस ने ही पिन किया था मैं सभी को, तो मेरे हिसाब से आपके नए चैंपियन है केविन ओवंस। तो दोस्तों सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन यहाँ पर दो बंदों ने सारा काम खराब कर दिया, पहले तो रैंडी ऑर्टन दूसरे ट्रिपल एच, और यहाँ पे ऑर्टन के आने की वजह से, आरकेओ के आने वजह से यहाँ पे चैंपियनशिप तो जा चुकी है मतलब बी की। पर आप लोग भी जाने से पहले भाई इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड्रो के लिए। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, जय।